इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। वक्त राजनीति में दांव चलने का हो गया है, कहीं कुछ राज्यों में तो पूरे देश में। हालांकि अभी देश में राजनीति के दांव दिखाने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अब थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसे में हर नेता अपनी पार्टी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, कहाँ जातीय समीकरण है, कहाँ विकास का। हालांकि हर जगह जातीय समीकरण हमेशा विकास के आड़े आकर लोगों को समझा कर चला जाता है। इसी तरह राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर देखें तो राजस्थान में जातीय वर्चस्व को किसी ने तोड़कर अगर किसी नेता में सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है तो वो है अशोक गहलोत। क्योंकि अगर देखें तो राज्य के दो बार मुख्यमंत्री बन चुके अशोक गहलोत एक माली समाज से आते हैं। किसी जमाने में अशोक का परिवार जादूगरी का करतब दिखाता था। हालांकि आज अगर देखें तो राजस्थान के साथ ये नाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। इसलिए आज मैं लेकर आया हूं अशोक गहलोत के राजनीतिक सफर से लेकर उनके राजनीति के पहले के किस्से। वक्त 1970 का था जब अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ही संजय गांधी की कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा चलती थी। जब संजय गांधी के करीबी उन्हें अशोक गहलोत के बारे में बताया तो उन्होंने गहलोत को राजस्थान में पार्टी के छात्र संघ चुनाव NSUI का अध्यक्ष बनाया। गहलोत को शुरुआती दिनों में संजय गांधी की मंडली के लोग गिली बिली कहकर संबोधित करते थे। आज राहुल गांधी की कांग्रेस में इस ताकतवर नेता के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता, बजाय इसके उनके पिता बाबू लक्ष्मण सिंह दक्ष एक मशहूर जादूगर थे। बचपन के दिनों में गहलोत भी अपने पिता के सहायक के तौर पर देश भर में कर्तव्य का हिस्सा हुआ करते थे। अशोक गहलोत पर सबसे पहले स्वयं इंदिरा गांधी की नज़र पड़ी थी। जब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश हो गया है, उस समय विद्रोह के बाद पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट खड़ा हो गया था। गहलोत की उम्र उस वक्त 20 साल थी और इंदिरा जी ने उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया, जिसके बाद गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंदौर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहीं उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई। कांग्रेस के इंदौर सम्मेलन में दिवंगत नेता प्रिय रंजन दास मुंशी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वो समय था जब इंदिरा और संजय गांधी युवा कांग्रेस को दक्षिणपंथी जनसंघ और उसके सहयोगी संगठन के मुकाबले के लिए तैयार करना चाहते थे। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस में ये काल युवा नेतृत्व के उभार का स्वर्णिम काल था। इस दौरान पार्टी को कई अहम नेता मिले, जिसमें अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, वाईएलआर रवि, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद और बीके हरिप्रसाद शामिल हैं। ये सभी नेता आज के कांग्रेस में बड़ी हैसियत रखते हैं। अपने स्वभाव और साधारण पृष्ठभूमि के अनुरूप अशोक गहलोत राजस्थान में लो प्रोफाइल रहते हुए काम करते रहे, लेकिन संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद जब पार्टी में राजीव गांधी को अहम रोल मिला, तब उन्होंने गहलोत के नाम की सिफारिश इंदिरा गांधी के कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर की। इस दौरान राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर का बोलबाला था, लेकिन गहलोत को राजीव गांधी का भरोसा हासिल था। एक मशहूर वाक्या है, जब राजस्थान भीषण सूखे से जूझ रहा था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर सारिस्का नेशनल पार्क में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, इस बैठक में राजीव ने राज्य के सभी मंत्रियों को सरकारी गाड़ियों की बजाय अपनी गाड़ी से आने के निर्देश दिए थे और राजीव खुद एक निजी कार चला रहे थे। तभी एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने राजीव की कार को सीधे जाने का सिग्नल देने के बजाय दाहिने मुड़ने को कहा। कांस्टेबल की इस गलती का परिणाम हरिदेव जोशी के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि डायवर्जन की वजह से राजीव उस स्थान पर पहुंच गए जहां मंत्रियों की सरकारी गाड़ियां खड़ी थी। दरअसल राजीव इसके जरिए पार्टी और सरकार को मितव्ययिता का संदेश देना चाह रहे थे। राजीव गांधी की नाराजगी की वजह से जोशी लंच में शामिल नहीं हुए थे। तब मेजबान जोशी की अनुपस्थिति में उनके मित्र और केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मामले को ठंडा करने की नाकाम कोशिश की और इस घटना के एक महीने बाद हरदेव जोशी को बदलकर शिवचरण माथुर को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। भले ही लगभग 2 साल बाद जोशी ने फिर वापसी कर ली हो, लेकिन इसके बाद कांग्रेस आलाकमान के सामने उनकी वो धाक नहीं रही। इस दौरान गहलोत केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी में INA मार्केट के ठीक सामने दिल्ली हाट के निर्माण का श्रेय गहलोत को दिया जाता है, जिन्होंने देश भर के शिल्पकार, हस्तशिल्प कला के लोगों के उत्पाद को सीधे ग्राहकों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंचाने का काम किया।
राजीव से गहलोत की नज़दीकी ने सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस में उनकी भी भूमिका कम नहीं होने दी। 1998 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी की हार हुई और भैरव सिंह शेखावत के बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय गहलोत विधायक नहीं थे, लिहाजा जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा से विधायक मानसिंह देवड़ा ने उनके लिए सीट खाली कर दी। उसके बाद से अशोक गहलोत इस सीट पर विधायक हैं। जानकारों की माने तो माली समुदाय से आने वाले अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस को राजस्थान में अपने पारंपरिक जाट वोट का नुकसान हुआ। राजपूतों के धुर विरोधी जाट राजस्थान में 60 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राज्य में पहले विधानसभा चुनाव से ही जाटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, क्योंकि कांग्रेस ने राजशाही खत्म की। कांग्रेस के बड़े जाट नेता रामनिवास मिर्धा, नाथुराम मिर्धा, परसराम मदेरणा का मारवाड़ में जबरदस्त बोलबाला था। इन नेताओं ने इमरजेंसी के बाद भी जब कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया हो गया, तब कांग्रेस का ये किला ढहने नहीं दिया। अपनी वफादारी के लिए लंबे समय तक इस समुदाय के नेता मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए रहे, लेकिन 1998 में अशोक गहलोत के सीएम बनने के बाद इनका मोह भंग होता चला गया। अशोक गहलोत की सरलता और सादगी उन्हें राजनीति में काफ़ी ऊपर ले गई। एक समय था जब दिल्ली के बड़े नेता अहमद पटेल और गुलाम नबी आज़ाद के सामने गहलोत को जगह नहीं मिलती थी, और आज वो उनकी बराबरी पे खड़े हैं। एक वो दौर था जब अशोक गहलोत अपने पिता के साथ कर्तव्य दिखाते थे, एक ये समय है जब अशोक गहलोत कांग्रेस के आला कमान लोगों में शामिल हैं। और होने वाले विधानसभा में अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो एक बार फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस दौड़ में सचिन पायलट का भी नाम लोग मुख्यमंत्री पद के लिए देख रहे हैं। इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच कहा जा रहा है कि मतभेद भी पनपे हैं, लेकिन राजनीति की गद्दी में सबसे ऊपर बैठना हर नेता का सपना होता है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।